નમસ્કાર દોસ્તો, ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કસા કાઈ મજેત, કેમ છો, મજામાં? ચમત્કાર પ્રદર્શન પ્રસ્તુત ડૂ ઇટ યોર સેલ્ફ મેં આપકા સ્વાગત હૈ. આજ હમ લોગ વોશિંગ મશીન પાર્ટ ટુ બનાને વાલે હૈ. તો દોસ્તો, હુઆ ક્યા હૈ અભી કી હમારી જો વોશિંગ મશીન હૈ उसका जो हब था वो तो हमने रिपेयर कर दिया था पहले वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा. तो अभी हुआ है प्रॉब्लम कि हमारे जो कपड़े हैं वो निकलने के बाद गीले निकलते हैं. मतलब अभी हम लोग देखते हैं कपड़े निकाल के. तो अभी देखो, यहाँ पर मशीन ख़त्म हो चुका है. एंड पॉइंट लॉक्समैन ड्राई के आखिर में आ गया था और खुल गया था. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाले जो कपड़े मेनली होते हैं वो बहुत ही गीले रहते हैं. जनरली आपको ये पता है कि वॉशिंग मशीन के कपड़े तो सुखाने ही कम पड़ते हैं, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना पानी बचा हुआ है. तो ये प्रॉब्लम हम लोग कुछ डेढ़ दो महीने से फेस कर रहे हैं. इसमें हम लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशन ट्राई किए, तो वही हम लोग आपको दिखाते हैं. दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिएगा थोड़ी देर में अगर आपका सॉल्यूशन अच्छा लगे. और मैंने जैसे बोला, इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा और आपके थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. तो अभी हम लोगों को इस मशीन को खोलना है, तो हम लोग ऊपर का कवर खोलेंगे. पहले हम लोग ऊपर के कवर के पीछे के बोल्ट्स खोलेंगे. तो यहाँ पे है हमारे पीछे के बोल्ट्स. तो यहाँ पे एक स्क्रू है बड़े स्क्रू ड्राइवर से, प्लस स्क्रू ड्राइवर से जल्दी खुल जाता है. और हाँ, हर बार की तरह हम लोग एक ऐसा लेकर आएंगे जिसके अंदर हम लोग संभाल के स्क्रू और उसका वॉशर रख सकते हैं. वैसे ही इस साइड भी हमारा और एक स्क्रू. तो आराम से ये दोनों स्क्रू निकल जाएंगे. अब दोस्तों, पिछली बार जैसे मैंने समझाया था कि इसे हम लोगों को सिर्फ पीछे पुश देना है और ये ऊपर का हमारा कवर खुल जाएगा. और हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये वाइट, ये उसके अंदर फिक्स हो जाते थे, ये रेस्ट्रेंट्स थे. यहाँ पे हम लोग को होल दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है होल और एक यहाँ पे दिख रहा है. तो ये की होल की तरह घुस जाता है इसके अंदर और ये लॉक हो जाता है. इसलिए हम लोग पीछे धक्का मार के उठाते हैं. तो हम लोगों ने ऊपर से खोल दिया है ताकि हम लोग सर्किट कनेक्शंस देख पाएंगे और भी जो हमारे यूजर पैनल के कनेक्शंस है वो देख पाएंगे, मूवमेंट देख पाएंगे, वाटर कनेक्शन है सब. तो हम लोगों ने ऊपर से खोल दिया है. अभी हम लोग इतना समझते हैं कि हमारी जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे शुरू होती है नॉर्मल क्लोथ्स में, कॉटन क्लोथ्स में, प्री वॉश से लेके लॉन्ग स्पिन ड्राई तक. तो यहाँ पे तो कपड़े के अंदर भिगोना एंड लाइट वॉश सब क्लीनिंग होता है. रिंस एंड स्पिन में थोड़ा पानी आके पानी निकाला जाता है, बट सबसे ज़्यादा पानी निकलता है, सबसे ज़्यादा ड्राई होता है वो होता है लॉन्ग स्पिन ड्राई में. तो इसीलिए हम लोग इसे लॉन्ग स्पिन ड्राई पे लेके जाएंगे. दोस्तों, लॉन्ग स्पिन ड्राई सेट हो चुका है, बटन ऑन है, दरवाजा क्लोज है. मतलब अगर मैं बटन दबाऊंगा तो लॉन्ग स्पिन ड्राई शुरू हो जाएगा. लॉन्ग स्पिन ड्राई में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तब जाके पानी निकलता है. तो देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है. चलो शुरू करते हैं. कपड़े अंदर हैं, 3, 2, पानी निकलना शुरू हो चुका है और ये मोशन शुरू. तो अभी तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड कम है, पानी निकलने का आवाज हमें आ रहा है. लेकिन ये जो स्पीड है दोस्तों, ये बहुत कम है लॉन्ग स्पिन ड्राई में. धीरे धीरे करके स्पीड बहुत बढ़ जानी चाहिए. हम लोग अगर याद हो तो हमें वॉशिंग मशीन सोने नहीं देती है, बहुत आवाज करती है जब लॉन्ग स्पिन ड्राई मोड पे हो. मतलब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ये ड्रम बहुत स्पीड से नहीं घूम रहा है, बहुत वाइब्रेट नहीं हो रहा है. मतलब स्पीड बहुत कम है मोटर की. अभी स्पीड मोटर की क्यों कम है उसके लिए हम लोग चीज़ें देखना जरूर पसंद करेंगे. तो यहाँ पे हमें स्पिन स्पीड का डायल दिख रहा है जो हम लोगों ने अभी 800 पे सेट किया है. तो क्या इसका ये जो कनेक्शन है, यहाँ से जो कनेक्शन है, तो यहाँ से क्या सही से सप्लाई नहीं जा रहा है?
क्या ये बटन खराब है या फिर मोटर खराब है, चलो देखते हैं आगे। तो दोस्तों चलो पहले स्विच बंद कर देंगे वहां से। स्विच बंद हो चुकी है, प्रोसेस बंद हो चुकी है। अभी हम लोग चेक करेंगे स्पिन स्पीड का डायल जो हमें अंदर दिख रहा है यहाँ पे। ये जो ब्लू कलर का डायल है उसमें से दो वायर्स निकल रही है और इस कनेक्शन के अंदर स्पिन स्पीड का आउटपुट आता है। चलो खोल दिया है हम लोगों ने, सिर्फ इजीली खोल सकता है, दबा के सिर्फ निकल देना है, खींचना है बस। ओके, तो ये हमारी जो पिन है वो सर्किट के अंदर जाती है और ये जो भी पिन है वो डायल से आ रही है। तो डायल के पिन के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो हम लोगों ने मल्टीमीटर अभी कनेक्टिविटी पे रखा है, वो हम लोग रेजिस्टेंस पे ले लेंगे। 20 के रेजिस्टेंस हमारे हिसाब से सही लगा था हमें, तो 20 के रेजिस्टेंस पे हम लोगों ने मल्टीमीटर डाला दोनों पिन के अंदर। तो दोस्तों मल्टीमीटर अच्छे से कनेक्टेड है, मल्टीमीटर 20 के रेजिस्टेंस मोड पे है और स्पिन डायल हम लोग घुमा के देखते हैं। तो जब स्पिन हम लोगों ने फुल रखा है 800, तब हमें मल्टीमीटर की रीडिंग दिख रही है 0.02 के, मतलब बहुत कम, यादिंग शॉर्ट ही गिन लो आप। मतलब यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी पे डालता हो तो आप आवाज़ सुन पा रहे हो। चलो वापस 20 के पे ले लेते हैं। तो अभी मैं जैसे ही स्पीड कम करते जाऊंगा वैसे ही आप रेजिस्टेंस का बढ़ते हुए देखते जाएंगे। 700 रेजिस्टेंस 1.5 के, 600 रेजिस्टेंस 4.5 के, 500 रेजिस्टेंस 7.3, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। और जब मैं स्पिन बंद कर देता हूँ तो नो कनेक्शन, इसीलिए वन और वो डॉट है बस। तो हम लोग इतना समझ सकते हैं कि इस डायल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, आपके कपड़े गीले रह रहे हैं, आपकी स्पीड कम रह रही है, और अगर आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस देखा और रेजिस्टेंस धीरे धीरे इस डायल के हिसाब से कम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फिर आप क्या करोगे, आप इस जो हमारे सर्किट के अंदर जो केबल जाता है यहाँ पे, आप इन दोनों के बीच में एक वायर लगा दोगे जो उसे शॉर्ट कर दे, ताकि सर्किट को ऐसा लगे कि स्पीड तो 800 पे ही सेट है और आपकी स्पीड की दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वायर डाल के भी देखा था तो भी सॉल्व नहीं हुआ। दोस्तों पार्ट टू में मजा आ ही रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे लोग देख रहे हैं वापस मैंने लॉन्ग स्पिन ड्राइव पे मशीन को रख दिया है और अभी हम लोग मोटर चेंज करने के लिए बैक कवर खोलना पसंद करेंगे। तो चलो बैक कवर खोलते हैं वापस बड़े प्लस माइनस स्क्रू ड्राइवर से। यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्क्रू दिख रहे हैं। सिंपल होता है, पुश करके रोटेट कीजिए, आराम से खुल जाते हैं ये। ऐसे ही हमें और दिख रहे हैं नीचे भी, कूल। तो ये हमारा बैक कवर जो है निकल गया, अभी हम लोग आराम से मोटर के साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग नई मोटर लगाएंगे, बट वो अगर आपको प्रोसेस देखनी है तो आप वापस पुराने वीडियो में जाइए, उसका यहाँ पे मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है। तो अभी हम लोग नई मोटर लगाते हैं। चलो पहले बेल्ट निकालते हैं, बाकी नई मोटर चेंज करना आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा बस। तो हम लोगों ने देखा कि स्क्रू ड्राइवर डाल के घुमा लेते तो भी बेल्ट निकल जाता है। अभी हम लोग नई मोटर चेंज करते हैं। मोटर चेंज हो गई है दोस्तों, हमने मोटर चेंज कर दी है। अभी हम लोग लॉन्ग स्पिन ड्राइव मोड था, बटन शुरू करेंगे और आगे का भी बटन शुरू करेंगे। लॉन्ग स्पिन ड्राइव मोड शुरू हो जाएगा, मोड शुरू हो चुका है। अभी हम लोग स्पीड पे ध्यान रखेंगे कि ये नई मोटर है तो क्या इसमें भी स्पीड कम आ रही है। दोस्तों इस स्पीड को ध्यान से देखिए, मैं आगे जाके आपको इसी स्पीड को कंपेयर करवाऊंगा। ये नई मोटर का हम लोग शाफ्ट पे स्पीड देख रहे हैं लॉन्ग स्पिन ड्राइव मोड पे, जिसे स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके हमारे कपड़े सूखेंगे। ध्यान से आपने स्पीड देख ली होगी, याद रखिएगा इस स्पीड को। अभी हम लोग पुरानी मोटर लगा देते हैं, बाय बाय। ओल्ड मोटर लॉन्ग स्पिन ड्राइव। Earlier we saw the speed of the new motor and it was
मतलब पहले हम लोगों ने नई मोटर की स्पीड देखी, वो भी इतनी ही स्पीड से घूम रही थी। मतलब मोटर की दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं आ रही है, नई मोटर के स्पेसिफिकेशन भी सेम थे, तो भी उसका जो आरपीएम था हम लोग अगर कंपेयर करें तो उतना ही दिख रहा था। ये हमारी नई मोटर है और इसके स्पेसिफिकेशन अभी हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, बट सिमिलर ही है 700 rpm, और इसका शाफ्ट हम लोग सिमिलर देख पा रहे हैं, और बाकी पूरा इसका जो वेट है, वोल्टेज रेटिंग है वो भी। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट होता है उस सर्किट को हम लोग चेंज करके देखेंगे कि क्या उससे तो दिक्कत नहीं हो रही। तो दोस्तों ये है नई सर्किट। नई सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि दो हमारे कनेक्शन होंगे वॉल के साथ, और यहाँ पे हमारे दो कनेक्टर्स होंगे जो सर्किट के साथ कनेक्टेड होंगे। तो हमें ये चार चीज़ें पहले निकालनी पड़ेगी, ये हम लोग नई सर्किट लेके आए हैं, तो चलो पुरानी सर्किट निकालते हैं। तो हम लोग पहले कनेक्टर निकाल लेंगे। ये रहा हमारा 10-pin कनेक्टर, पुश करके निकालना है हमें, ये यहाँ से हमें पुश करना था, यहाँ से पुश करके निकाल लो। वैसे ही बाजू में हमारा है 6-pin कनेक्टर, यहाँ से हम लोग को थोड़ा क्लियरली दिखेगा। हाँ, तो बस वो भी ऐसे पुश करके हमें निकालना है, थोड़ा सा खींच के निकालना पड़ेगा बस। तो दोनों कनेक्शन अभी हम लोगों ने निकाल दिए। अब हम लोगों को दो स्क्रू जो है, जो हम लोगों ने माउंटिंग के लिए लगाए हुए हैं, वो निकालने हैं। वापस हम लोग प्लस बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे, पुश करके घुमाएंगे आराम से, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, नीचे हाथ रखेंगे ताकि हमारा स्क्रू गिर ना जाए। वापस स्क्रू हम लोग एक अच्छी जगह पर रख देंगे। अब ये रहा हमारा दूसरा वॉल माउंट, मतलब साइड के लिए स्क्रू। अब हम लोग उसे स्क्रू ड्राइवर से ही अच्छे से खोल रहे हैं। बस अब सर्किट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, वो सिर्फ फंसी हुई है और वो निकल गई है। तो ये हमारी पुरानी सर्किट थी दोस्तों, जिसे हम लोग रिप्लेस करेंगे हमारी नई व्हाइट वाली सर्किट के साथ। चलो अब नई सर्किट लगा देते हैं। तो नया वाला थोड़ा सा हमारा व्हाइट येलो जैसा बोर्ड है जो हम लगाने जा रहे हैं। होल्स मैच हो जाते हैं जनरली, कोई दिक्कत होती नहीं है हमें। तो एक स्क्रू हमारा लग चुका है। और अब इस साइड का स्क्रू भी हम लोग लगा देंगे। फटाफट दोनों स्क्रू लग चुके हैं, अभी हम लोग कनेक्शन भी लगा देंगे। दो कनेक्शन ही थे हमारा, ये रहा हमारा 6-pin कनेक्टर। वापस प्रेस करके थोड़ा सा जोर से हम लोग पुश करेंगे। और वो कनेक्टर हमारा लग चुका है। अब हम लोग लगाएंगे हमारा 10-pin कनेक्टर। वापस अच्छे से लग गया, दोनों कनेक्शन हमारे हो चुके हैं दोस्तों। हम लोग बटन चालू करके स्पीड मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या फर्क पड़ा है। बटन शुरू करेंगे, दोस्तों मशीन ऑन और लॉन्ग स्पिन ड्राइव पे ही थी। अब देखते हैं, पानी जाने का आवाज आ चुका है। स्पीड हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, अभी भी कम ही है, बिल्कुल भी हमें वाइब्रेशन नहीं दिख रहा है ड्रम के अंदर, स्पीड बहुत कम है। तो हम जानते हैं कि इसका भी आउटकम ऐसा ही आएगा कि पानी कपड़ों में रहेगा, हमें आखिर में निचोल निचोल के सुखाने पड़ेंगे कपड़े। दोस्तों अब इस बार पूरा मशीन हम लोग पूरी साइकिल चलने देंगे, और जब हम लोग ख़त्म होने के बाद देखेंगे क्या पानी बचा है।
दोस्तों फुल साइकिल हो चुकी है, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि क्या अब भी पानी अंदर है, क्या अब भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी कपड़े सुखाने में। दोस्तों अभी भी जो कपड़े आ रहे हैं वो गीले ही है, इतने गीले कपड़े कभी मशीन से निकलते ही नहीं है, और ऐसी स्पीड ही नहीं होती है यार। सबने देखा है कि फाइनल मोड में जो आवाज करती है मशीन पूरा वाइब्रेट होती है, लेकिन इतना स्लो चल रही थी और पानी भी इतना ही है। चलो मतलब इंशॉर्ट सॉल्व नहीं हुआ है, सर्किट बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ हमें, तो पुरानी सर्किट हम लोग वापस लगा देते हैं। ये हमारी पुरानी सर्किट, दोस्तों पुरानी सर्किट लग चुकी है और केविन जेस्पर वांटेड द पिक ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर यूनिट, सो दिस इज द फोटो। ये है माइक्रोकंट्रोलर यूनिट जो लगता है। ओके, हम लोग और अगर क्लियरली देखना चाहे तो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है 10 पिन कनेक्टर, 6 पिन कनेक्टर, कुछ रिलेज हैं, यहाँ पे अंदर भी कुछ सर्किट है, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। तो ये सर्किट है हमारी माइक्रोकंट्रोलर यूनिट फॉर दिस वॉशिंग मशीन। सो जेस्पर दिस वाज फॉर यू एंड लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों इस प्रॉब्लम ने हमें बहुत परेशान किया, अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने ट्राई करके देखी, तो अब हम लोग फाइनल आए सर्किट के डिटेल्स पे। सो वी हैव टू कनेक्शंस हियर, तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये जाता है मोटर को, और मोटर से एक पिन का फीडबैक आता है टैकोमीटर का, टैकोमीटर फीडबैक देता है आरपीएम का। तो ये पेस जा रही है मोटर आउटपुट, मोटर को कंट्रोलिंग इनपुट देने के लिए कि कितनी स्पीड पे चलना है, और मोटर से फीडबैक लेती है। तो ये जो बाकी की पिन है, मतलब मोटर तो हमने चेंज कर देख ली, मोटर में तो दिक्कत मोस्ट ऑफली है नहीं, तो ये जो पिन्स है, ये पिन्स है हमारे टाइमर, और ये हमारे जो बटन्स है, हमारा जो स्पिन स्पीड है जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इस इन बटन में जाता है। तो चलो हम लोग एक बार, अभी हम लोग सब कुछ कर ही लिया है तो सर्किट भी चेंज कर लिया, तो इसे एक बार निकाल के चला के देखते हैं कि जब स्पिन स्पीड का कमांड नहीं जा रहा है, कुछ टाइमर का कमांड नहीं जा रहा है जो स्पिन में जाता है, तब मशीन कैसे बिहेव करता है। चलो हम लोग उसे निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने 10 पिन कनेक्टर निकाल दिया है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मशीन ऑन है, लॉन्ग स्पिन ड्राइव पे हम लोगों ने रखा हुआ है क्योंकि हमें स्पीड कंपेयर करनी है, और अभी हम लोग ऑन कर देंगे। दोस्तों हमने ऑन कर दिया है, लॉन्ग स्पिन ड्राइव मोड है। अभी आप लोग देखोगे कि मैंने जब कनेक्शन निकाल दिया तो क्या हुआ, पानी निकलने की आवाज, और ये हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कितने स्पीड से मशीन घूम रही है। आपने वो कहा जरूर सुनी होगी, चैन से सोना है तो जाग जाओ, मैं कह रहा हूँ कि कपड़े निचोलने नहीं है तो जाग जाओ, आवाज़ ना आए तो जाग जाओ। यहाँ पे देखो आवाज़ कितनी आ रही है, ऐसे ही मशीन घूमनी चाहिए थी जो नहीं घूम रही थी। तो ये हमारी जो पिन है वो निकालने के बाद इतनी फास्ट मशीन घूम रही है, मतलब 800 आरपीएम पे मशीन घूम रही है। तो चलो अभी हम लोग रोकते हैं और इसके बारे में और सोचते हैं। बटन ऑफ, धीरे धीरे स्पीड रिड्यूस हो रही है। हम लोग समझना क्या है कि हम लोग सर्किट हाथ में लेंगे और ये देखेंगे कि ये सर्किट के ये इनपुट्स हम लोगों ने निकाले थे, ये 10 पिन कनेक्टर, तो यहाँ पे कौन से कमांड आ रहे थे, उनमें से किसी में दिक्कत हो रही है, तभी जाके तो ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इन पिन से कनेक्शन कहाँ जा रहा है, जनरली इतनी बड़ी मशीन में कलर कोड सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ 8 पिन है, क्योंकि हम लोग आगे से देखेंगे तो दो ही खाली है 10 में से। तो इन 8 पिन में से एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंज कलर, और पीछे मुझे और एक ग्रे कलर दिख रहा है, तो वो कलर मेरे मैच होते हैं इस कनेक्शन से। ये हमारा जो स्पिन स्पीड का कनेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो स्पिन स्पीड हमारी कम थी वो कनेक्शन यहाँ पे आता है। वो हम लोगों ने ये तो चेक किया कि यहाँ तक तो कनेक्शन आ रहा है मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करके, तो क्या कनेक्शन यहाँ से वहाँ जा रहा है। चलो कनेक्टिविटी से देखते हैं, मल्टीमीटर कनेक्टिविटी पे ले लिया।
तो दोस्तों ये ग्रे वायर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो स्पीड लिखा हुआ है रेड कलर में, वहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोब डाल दिया है हमारे मल्टीमीटर का, और दूसरा प्रोब जाएगा हमारे ऑरेंज कलर जो यहाँ पे जा रहा है ऑरेंज कलर में सेंटर पिन में। तो ये दोनों प्रोब हम लोग डाल देते हैं, तो ऑरेंज और रेड प्रोब डाल दिए हैं, और अभी हम लोग स्पिन स्पीड चेंज करेंगे, तो मल्टीमीटर में इनपुट चेंज होना चाहिए। रेजिस्टेंस यही है 20 के पे हमारा मल्टीमीटर सेट किया हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 800 पे है, तो जो शॉर्ट आना चाहिए तो शॉर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। अगर मैं तो भी कनेक्टिविटी पे ले जाऊँ तो आवाज़ हमें आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है 800 पे जो होना चाहिए। अभी हम लोग स्पीड धीरे धीरे कम करते जाएंगे, पिछली बार जैसे हम लोगों ने देखा था 700 रेजिस्टेंस बढ़ गया है, 600 दोस्तों रेजिस्टेंस और बढ़ गया है, 400 दोस्तों रेजिस्टेंस और बढ़ गया है, और नो स्पीड, स्पिन स्पीड जीरो, कनेक्शन ही नहीं है दोस्तों। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा, इससे हम लोगों ने इतना प्रूव कर दिया कि यहाँ से वहाँ तक का कनेक्शन भी सही है। दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग यार। और हम लोगों ने अलग अलग कलर्स ट्रेस करने की शुरुआत की, तो अब हम लोग पहुँचे हैं टाइमर के पिंस पे। ये जो बड़ा सा प्लास्टिक में कवर दिख रहा है जो टाइमर से कनेक्टेड होता है ताकि उसे पता चले कि वो लॉन्ग स्पिन ड्राइव मोड पे है, वो कनेक्शन ब्लू वायर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लू वायर। तो चलो प्लास्टिक खोलते हैं और देखते हैं वो ब्लू वायर कहाँ जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं ब्लू पिन कहाँ जा रही है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ग्रीन वाला जो ब्लू पिन का कनेक्शन है, तो दोस्तों ये जो वायर्स हैं वो इस टाइमर के हैं, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चार कनेक्शन है, पहले ग्रे है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है, और फिर ग्रीन है। तो इस साइड पे जैसे ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे पुश करके कनेक्ट किया, वैसे ही इसी इस साइड पे भी कनेक्ट किया हुआ है ब्लैक, रेड और ग्रीन। तो हम लोग जो ग्रीन देख रहे हैं, अगर हम लोग क्रूटा वहाँ पे लगा के देखिए, तो ग्रीन थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, ग्रीन कनेक्टेड नहीं है, वहीं पे हमारा ब्लू वायर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये लूज कनेक्शन हो चुका था ऐसा हमें लग रहा है, चलो इसे पुश करके टाइट कर देते हैं। तो ये टाइट हो गया, हम लोगों ने आवाज़ सुना, अब तीनों लेवल में हो गए हैं, ब्लैक, रेड और ग्रीन, और ग्रीन टाइट हो गया है। अभी हम लोग मशीन को वापस चला के देखेंगे। दोस्तों हमें अभी अगर ये सॉल्व हो जाता है तो हमें समझ में आएगा कि इतना छोटा सा सॉल्यूशन था और हम लोग कितनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे थे। मतलब लर्निंग यही होगी कि पहले हमें सारे कनेक्शन, लूज कनेक्शन चेक करने होते हैं, उसके बाद ही हमें कभी भी कंक्लूजन पे आना चाहिए। चलो हम लोग बटन शुरू करते हैं, लॉन्ग स्पिन ड्राइव मोड पे ही है। चालू करने से पहले मैं वापस भूल गया कि हमें कनेक्शन लगाना पड़ेगा। चलो हम लोग 10 पिन कनेक्शन लगा देते हैं, 10 पिन कनेक्शन ऑन, 10 पिन कनेक्शन ऑन हो चुका है। हम लोग पावर स्विच ऑन करेंगे और फिर लॉन्ग स्पिन ड्राइव पे कमाल देखेंगे। तो दोस्तों सिर्फ लूज कनेक्शन हम लोगों ने टाइट किया है, लॉन्ग स्पिन ड्राइव ऑन है, ऑन लॉन्ग स्पिन ड्राइव मोड, 3 2 1, पानी निकलने का आवाज। और दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। पानी निकल रहा है और अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, मूवमेंट आएगा। दोस्तों घूम क्यों नहीं रहा है, घूम क्यों नहीं रहा है, मैं कब से सोच रहा हूं। और फिर हम लोगों ने देखा क्या, स्पिन स्पीड ऑफ पे है दोस्तों, तो वो सही काम कर रहा है। चलो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, स्पिन स्पीड हम लोगों ने फुल कर दी है। अब हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। मतलब मैंने देखा अभी स्पिन स्पीड का जो ऑपरेशन था वो अच्छे से चल रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़नी चाहिए, वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो गया, स्पीड बढ़नी शुरू हो गई है। हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि कितने कम स्पीड से घूम रहा था, अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, और शुरुआत में वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं था। और ये देख रहे हैं सुपरसोनिक स्पीड वाइब्रेशन। दोस्तों ये एनिमेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी वॉशिंग मशीन हिलती है अगर वो सही चल रही हो तो।
इसीलिए मेरा कहना है कि आवाज़ ना आए तो जाग जाओ, कपड़ों में पानी मिले तो जाग जाओ, वीडियो देखो। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बस हम इस मशीन की साइकिल का ख़त्म होने की राह देखेंगे और फिर देखेंगे क्या कपड़ों में भी पानी है। हाई आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है ना एकदम, वैसे जैसे मैंने जानबूझ के एनिमेट किया हो ये ड्रम वाला पार्ट। बट दोस्तों ऐसे ही घूमता है शॉक एब्जॉर्बर भी। हम लोगों ने कैसे निकालना आप लोगों को दिखाया था, नीचे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, ऊपर ये डेड वेट है, तो ये सब इसीलिए डाला जाता है ताकि पूरी मशीन वाइब्रेट ना हो, इस वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाए। डेड वेट से उसका वाइब्रेशन बैलेंस हो, उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो, और नीचे शॉक एब्जॉर्बर्स की वजह से वो अच्छे से अपना वेट बैलेंस कर पाए। क्योंकि हम लोग आप लोगों ने पुराने वीडियो में देखा था कि ये सिर्फ इस बाजू वाली एक और यहाँ पे एक दो स्प्रिंग के ऊपर लगा हुआ है और नीचे सिर्फ उसके दो शॉक एब्जॉर्बर्स है, बाकी वो हवा में लटक रहा है दोस्तों। उससे बॉडी कांटेक्ट बहुत कम है ताकि पूरी बॉडी पूरा मशीन वाइब्रेट ना। हम लोग देख रहे हैं मशीन वाइब्रेट नहीं हो रहा है, सिर्फ अंदर का ड्रम ही वाइब्रेट हो रहा है। तो कंसर्न क्या है, आवाज़ ना आए तो जाग जा। दोस्तों मशीन ख़त्म हो चुकी है, चलो खोलते हैं और देखते हैं क्या अभी भी पानी बचा है। दोस्तों एकदम ड्राई है कपड़े, निचोड़ के भी इसमें से पानी नहीं निकल रहा है दोस्तों। मतलब यही हमारी जो वॉशिंग मशीन हुआ करती थी कि उसको ज़्यादा सुखाना ही नहीं पड़ता था, 70% कपड़े सूखे हुए ही निकलते थे मशीन में से। तो दोस्तों वैसे ही निकल रहे हैं, बिल्कुल भी निचोड़ के पानी नहीं निकल रहा है, एकदम ड्राई ड्राई कपड़े हैं। ठीक है, यही समझने वाली बात है दोस्तों, यही सॉल्यूशन किया है हमने। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे मज़ेदार से होम अप्लायंसेस के प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के लिए, खुद का दिमाग लगाने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको कौन से अप्लायंस में दिक्कत है, हम उसका वीडियो डालेंगे।